हर साल हम इंटरनेशनल वुमेंस डे बहुत जोश व खरोश से मनाते हैं, लेकिन हर साल हम ये भूल जाते हैं कि हमने पिछले साल क्या वादा किया था। आज भी बच्चियां जलाई जा रही हैं, आज भी बच्चियों के ऊपर तेजाब फेंका जा रहा है। इस किस्म के हीनियस क्राइम को रोकने के लिए जहाँ स्टेट की ज़िम्मेदारी है, वहाँ सिविल सोसाइटी की भी ज़िम्मेदारी होती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी ख़वातीन अपने हकूक़ को हासिल करें, उनके साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं उसके बारे में आवाज़ उठाएं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो तालीम हासिल करें, उनके बच्चों की बेहतर तरबियत उनकी माएँ दें, और उसके बाद वो अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने में डरे ना, क्योंकि जहाँ वो डरी वहाँ पर वो पीछे रह जाएंगी। जब वो तालीम हासिल करती हैं तो शऊर पैदा होता है, उनका दिमाग जो है वो बाशऊर होगा, तो वो काम करने के और हुनर सीखने के बहुत से राहें जो हैं उनके लिए खुल जाएंगी, वो बाख्तियार हो जाएंगी, वो ख़ुद मुख्तार हो जाएंगी। ऐसी ख़ुद मुख्तारी और ऐसी बाख्तियारी सिर्फ उस वक्त ही काम आएगी जब आपको आज़ादी से अपने हाथ में कमाया हुआ पैसा जो है वो इस्तेमाल करने का हक हासिल हो। इस दफ़ा इंटरनेशनल वुमेंस डे पे और आइंदा आने वाले दिनों में ख़वातीन अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाएं और अपनी ज़िम्मेदारियों को संभालें और उनको बहुत बेहतर तरीके से अदा करें।